कार्बाइड आखिर क्या है? दोस्तों यह एक केमिकल है और यदि इसे पानी में मिलाएंगे तो इसमें से ऊष्मा यानी हीट निकलती है। तो अगर किसी केले के गुच्छे को इस केमिकल युक्त पानी में डुबाया जाए तो यह ऊष्मा केलों में उतरती है और केले पूरी तरह से पक जाते हैं। दोस्तों यह केमिकल कई देशों में बैन भी है, लेकिन भारत में यह केमिकल अभी भी गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रक्रिया को उपयोग करने वाले व्यापारी इतने होशियार नहीं होते हैं कि उन्हें पता हो कि इस केमिकल का प्रयोग किस मात्रा में किया जाए, इसलिए वह अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं और केलों में यह खतरनाक केमिकल प्रवेश कर जाते हैं और फिर इन्हीं फलों का हम सेवन करते हैं जिससे हमारे डाइजेशन सिस्टम में खराबी आती है, आंखों में जलन, छाती में तकलीफ, पेट दर्द, गले में जलन, अल्सर और ट्यूमर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों कार्बाइड युक्त केलों की पहचान होना बेहद जरूरी है। यदि केले को प्राकृतिक तरीके से पकाया है तो उसका डंठल यानी ऊपरी हिस्सा काला पड़ जाता है और केले का रंग अधिक पीला हो जाता है, साथ ही साथ केले पर थोड़े बहुत काले धब्बे भी रहते हैं। परंतु यदि केले को कार्बाइड का इस्तेमाल करके पकाया गया है तो उसका डंठल हरा होगा और केले का रंग लेमन येलो यानी नींबू के रंग सा पीला होगा। इतना ही नहीं, ऐसे केलों में कोई दाग धब्बे नहीं होते हैं जिससे यह हमें दिखने में अच्छे लगते हैं और हम इन्हें खरीद लेते हैं। तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि दोनों तरह के केलों में क्या अंतर होता है, इसलिए केला खरीदते समय सावधानी जरूर बरतें। अब बारी है स्पेशल टिप की। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप केमिकल द्वारा पकाए गए फलों और सब्जियों के दुष्प्रभाव से बच सकें, तो जब भी आप फल खरीदें उन्हें खाने से पहले 2-3 मिनट के लिए चलते हुए पानी यानी रनिंग वाटर में 2 चम्मच सिरका डालकर अच्छी तरह से रगड़ लीजिए।